और परिचय कराती हूं आपसे अपने पैनल का। महेश वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। आलोक शर्मा मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन साथ साथ वो पिटिशनर भी हैं सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर, नीट का जो मसला चल रहा है। मेरे साथ बेहद शानदार दो मेहमान हैं और मैं उनको शानदार इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनके जरिए हम फॉरवर्ड प्लानिंग पर बात करेंगे। देश के बेहद शानदार ऑफिसर रहे यशोवर्धन झा आजाद मेरे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। विक्रम सिंह मेरे साथ हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। स्टूडियो में मेरे साथ अभिनय हैं, जो फाउंडर हैं अभिनय मैथ्स के, कई साल से, तकरीबन 7-8 साल से वो कोचिंग देते हैं बच्चों को, माइंडसेट पहचानते हैं बच्चों का। और ऊपर की जो खिड़की आप देख रहे हैं उसमें, और नीचे भी दो खिड़कियां जो आप देख रहे हैं उसमें मेरे साथ वो बच्चे हैं जो बताएंगे अपनी कहानी। अखिलेश यादव हैं, विवेक यादव हैं, जुबैर अहमद हैं जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, कोमल शर्मा मेरे साथ हैं अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। मैं शुरुआत अखिलेश और विवेक आपसे कर रही हूं। कौन सी परीक्षा दी थी अखिलेश और विवेक आपने? नीट का एग्जाम दिया था? जी मैम। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इसी बार नीट की परीक्षा दी या पहले दी थी? जी मैम, पहले भी दे चुकी हूँ। कितनी बार दी अखिलेश? मैम 2 बार। और दोनों बार पिछली बार क्या हुआ और इस बार क्या हुआ? मैम पिछली बार पेपर ठीक था, बट इस बार कटआउट काफी हाई गया का था और इतना स्कैम हुआ जो है, तो इसकी वजह से काफी कटआउट काफी हाई चली गई है। काफी इस बार सिलेक्शन हो सकता था लेकिन नहीं हो पाएगा थी, क्योंकि इतना स्कैम हुआ कहा थे 15-63 बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिया है, तो इस वजह से। अखिलेश कितना लंबा ये सफर रहा जिस दौरान आप तैयारी कर रहे थे नीट की, कितनी मेहनत की इस बार आप? जी मैंने काफ़ी मेहनत की थी, देर रात पढ़ाई कर रहे थे इसी आस में कि सिलेक्शन हो जाएगा कहा थे, लेकिन इतना बड़े स्कैम की वजह से बहुत बुरा लगता है कहा जब आप देर रात मेहनत करें एग्जाम के लिए या पूरे साल मेहनत करते हैं और अंत में आके पेपर लीक जैसी कहा चीज़ें हो जाती है, जिससे बहुत ही बुरा लगता है, पूरा साल खराब हो जाता है, पूरा कैरियर जो है इस पर लगा रहता है। अच्छा अखिलेश, अभी जब सब चीज़ें हो रही हैं, 2 बार आपने परीक्षा दी, इस बार ये धांधली सामने आ गई, अब आगे हिम्मत बची है, उम्मीद बची है आगे फिर से सरकारी परीक्षा देंगे नौकरी के लिए या फिर क्या करेंगे? मैं मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हाँ, अगर पारदर्शी तरीके से होता जरूर देंगे, लेकिन जिस तरह से ये हो रही है, धांधली हो रही, पैसे लेके आधे पेपर लीक कराया जा रहा है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं बात है विश्वास टूटता कहा थे कि जो भी एजेंसियाँ कहा थे एग्जाम कराती है कहा थे, तो इनको लेकर सरकार को चाहिए कि कड़े कानून बनाए जिससे कहा थे ऐसे कहा थे चीज़ें ना करें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि कहा थे स्टूडेंट जो है पूरे साल मेहनत करता है कहा थे अपने करियर को लेकर जो है काफ़ी सीरियस होता है और अंततः जब ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है कहा थे। विवेक कितना पैसा लगा होगा तकरीबन ये 1 साल नीट की परीक्षा की तैयारी करने में? विवेक आवाज आ रही है? मैम ओवर 90,000। मैम टोटल पूरे ईयरली मैम 2-3 लाख आसपास हो जाता है मैम, आपके मैम हॉस्टल से चार्ज लेकर आपके स्टडी मटेरियल्स आपके हर कुछ जो आपकी ज़रूरतें हैं कुछ। विवेक ये कितना आसान है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और कितना मुश्किल है, स्पेशली अगर मैं आपका पूछूं तो ये जो कॉस्टिंग आप बता रहे हैं 2-3 लाख रुपए, ये माता पिता के लिए आसान रहा या चैलेंजिंग रहा? नहीं मैम, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है मैम उसको पता है कि मनी की पैसे की कितनी वैल्यू होती है। मेरे फादर्स एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और वो उनके प्राइवेट जॉब्स हैं, वो
बट इतनी क्लियरफाई नहीं कर सकता कि मतलब वो कैसे पैसे, लेकिन तब भी उन्होंने मेरे लिए, मेरी स्टडी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर पहले मेरे ध्यान दिया कि मैं कुछ करूं, और अपनी फैमिली से मैं पहला वो पर्सन रहता जो मैं डॉक्टर के लिए करता। मैंने पिछले साल भी बहुत मेहनत की थी, इस साल भी मैंने अपनी लगन लगाया था, मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपना हार्डवर्क दिया, जितना चैलेंजिंग हुआ मेरे से मैंने सारा चीज़ किया, ट्राई किया कि मैं इस बार अपने आप को सिलेक्शन करके, और एक एवरेज बच्चे की तरह मैं सोचा था कि मैं 620 और 630 तक मैं अगर मार्क्स गेन भी कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को अटेंड कर लूँगा मैं एक मेडिकल कॉलेज में अपनी पोजीशन के लिए। बट जब मैंने जब अपना जब मार्क्स देखा उसके बाद मैंने ये देखा कि ये स्कैम हुआ, उसके बाद फिर जब जितनी हाई कट ऑफ चले गए तो उसके बाद मैं हार गया कि अब इस बार फिर वही होना है, फिर से फिर वही प्रिपरेशंस, फिर अगर फिर अगले साल फिर यही हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मैं पीसीबी स्ट्रीम से रहूँ तो उसके अलावा मेरे पास आगे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे बस ये था मेरे अंदर कि मैं एक ही मेरे रास्ता था कि डॉक्टर बनना है डॉक्टर, तो फिर मेरे समझ में कुछ नहीं आया फिर। अच्छा विवेक, अब आगे का रास्ता कितना मुश्किल दिखता है, उम्मीद है आपके मन में दिल में? मैम अगर ये स्कैम अगले साल फिर से ना हो और फिर अगर सरकार और बाकी सब जितने भी जो नीट कंडक्ट एनटीए जो कंडक्ट कराती हैं स्कैम्स वगैरह जब अगर ना हो और फिर अच्छे से अगर अगले साल पेपर अच्छा थोड़ा मॉडरेट टाइप का पेपर बनता है और बच्चे अपना हार्ड वर्क करके जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं और अपने आप को गेन करते हैं और दिखाते हैं तो फिर मैं फिर से मेहनत करूँगा, वरना फिर अगर फिर अगले साल इसे ही हुआ फिर मैं 650 क्रॉस कर रहा हूँ फिर अगले साल हाई कट ऑफ जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं फिर वही चीज़ बार बार रीअटेंड करने का। विवेक दो मेरे साथ और एप्लीकेंट्स हैं बिहार से, पटना से जो...